यूपी में आज जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट। कानपुर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस की बड़ी तैयारी, हर मूवमेंट पर नजर। कानपुर और लखनऊ में धारा 144 लागू। गैंगस्टर एक्ट में फरार पूर्व सपा विधायक गिरफ्तार। आगरा से हुई एटा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव की गिरफ्तारी। सपा सांसद रामगोपाल यादव के रिश्तेदार हैं रामेश्वर सिंह यादव। यूपी के 8 जिलों के आज भाजपा दफ्तर का उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। गोरखपुर में पार्टी के नए हाईटेक दफ्तर का करेंगे शुभारंभ। 7 और जिलों में पार्टी दफ्तर का वर्चुअली होगा उद्घाटन। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे मौजूद। आज से दोबारा मंडलों के दौरे पर निकलेगी योगी की टीम 18। मंगलवार मंडलवार दौरा करेंगे प्रभार वाले मंत्री। पिछली बार मंत्रियों ने निरीक्षण के बाद जिलेवार सौंपी थी रिपोर्ट। राज्यसभा की 16 सीटों पर आज होगा चुनाव। यूपी कांग्रेस की वजह से चुनाव अहम। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और इमरान प्रतापगढ़ी के किस्मत का होगा फैसला। 57 में से 41 सीटों पर हुआ था निर्विरोध निर्वाचन। बढ़ते कोरोना केसेस के बीच केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखा, कोरोना पर लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी। पिछले 2 हफ्तों में मामले बढ़ने के बाद अलर्ट पर रहने की आवश्यकता बताई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।